कमलनयन, वैद्य गुरु शुक्राचार्य कैसी शिक्षा दे रहे हैं? वो मेरे पौत्र को हत्या और हिंसा का मार्ग दिखा रहे हैं। महादेवी, हिंसा की प्रवृत्ति तो प्राणियों के जीवन प्रणाली में बसी हुई है। मानव समाज जब तक हिंसा से घृणा करने का गुण उत्पन्न नहीं करता, तब तक वो किसी न किसी रूप में हिंसा का प्रयोग करता रहेगा। कभी राज्य के नाम पर, कभी युद्ध के नाम पर, कभी अधिकार के नाम पर और यदि कुछ भी नहीं तो आखेट के नाम पर। महादेवी, जिस दिन मानवीय मन से स्वार्थ नाम का रोग निकल जाएगा ना, उस दिन हिंसा भी समाप्त हो जाएगी और फिर शुक्राचार्य जैसे गुरुओं की आवश्यकता भी समाप्त हो जाएगी। तो क्या पौत्र विरोचन पुत्र प्रहलाद के पदचिन्हों पर नहीं चल पाएगा? महादेवी, जिस प्रकार पहले अंकुर जन्म लेता है, फिर वही अंकुर पौधा बन जाता है, पौधा वृक्ष में परिवर्तित होता है और तब जाकर वृक्ष में फल आते हैं, उसी प्रकार सबसे पहले मन में सुंदर विचारों का जन्म होता है, फिर वही सुंदर विचार मन में भक्ति को जन्म देते हैं और तब जाकर भक्ति जीवन के सुंदर नियम उत्पन्न करती है। महादेवी, प्रहलाद ने जिस भक्ति की प्रवृत्ति को जन्म दिया है, उसे जीवन का नियम बनने में अभी देर है। आसुरी प्रवृत्तियां इतनी सरलता से पीछा नहीं छोड़ेंगी, उन्हें दूर करने में कई पीढ़ियां बीत जाएंगी। महादेवी, असुर राजवंश में हिरण्यकश्यपु के अहंकार और प्रहलाद की भक्ति के बीच एक मौन युद्ध चल रहा है